नमस्ते, आज हम फेसबुक लीड एड चलाना सीखेंगे। और लीड एड ऐसा कि जैसे मेरा एड इस पे मेरी मोबाइल पे चल रहा है, मेटा पे मैं साइड पे लगा दे रहा हूँ, कि जहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे एड में इस समय जो प्राइसिंग 5 रुपए से नीचे चली आई है, 5 रुपए से नीचे पर लीड मेरे को मिल रही है, और मेरा जो जो प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस है वो पता है कितना है, 20,000 रुपए का पर प्रोडक्ट है। क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस चला रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली अगर 1% भी कन्वर्जन अगर मेरा सही से आ गया तो 1% कन्वर्जन का मतलब आप निकाल सकते हैं। तो मतलब अगर 100 लीड मेरे को 500 रुपए की पड़ी और 500 रुपए में एक कन्वर्जन आ गया, एक कन्वर्जन की कीमत 20,000 है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ, इतनी लीड आएगी कि आपको अपना फेसबुक ऐड बंद करना पड़ जाएगा। यकीन नहीं होता, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर शायद आपकी स्क्रीन पे दिख रहा हो, ये लाइन से पूरे ये दिख रहा हो, ये जो लाइन से दिख रहा है ना, ये सब जो है इंक्वायरी है, मैं इनको फॉलो नहीं कर पा रहा हूं। अमूमन अभी मुझे लीड एड बंद करना पड़ा, सिर्फ 150 रुपए के अगर एड को मैं डेली रन कर रहा हूं, और मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं सारी लीड्स को फॉलो कर सकूं, समय पर फॉलो कर सकूं। तो बताइए ये कितना बढ़िया फेसबुक एड है। तो मैं ये टेक्निक बताऊंगा एक एक चीज, लेकिन बारीक के साथ आपको देखना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, और उसके साथ ही आप इस लायक हो जाएंगे कि आपकी भी लीड एड की जो कास्टिंग आएगी 4 से 5 रुपए के बीच वैरी करेगी। जी हाँ, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं, और YouTube इंडस्ट्री में मौजूद सबसे बेहतरीन वीडियो मैंने बताया है, और वो भी ट्रेनिंग, जिस प्रकार से मैं अपना एड बना रहा हूं वो मैं लाइव दिखा रहा हूं, और इस एड को मैं रन भी करूंगा ऑल इंडिया लेवल पे। जी हाँ, रन करने वाला हूं। आप थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस एक वीडियो में 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो होगा, और इस एक वीडियो में आप इस लायक बन जाएंगे कि आप अपने लिए लीड एड बनाना शुरू से सीखेंगे, ए टू जेड एकदम हीरो बन जाएंगे। एक एक चीज और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लोगों मतलब हमारे इंटेंट को समझेंगे, बायर इंटेंट को भी यहाँ पे समझेंगे कि किस प्रकार से बायर इंटेंट को लगाया जाए कि वो व्यक्ति मेरे प्रोडक्ट को बाई कर ले। सब कुछ यहाँ पे बताने वाले हैं। इससे बढ़िया वीडियो पूरे YouTube इंडस्ट्री में नहीं होगा, आप जाके देख लेना। बहुत से लोग बताए होंगे कि लीड एड चलाना सीखे 15 मिनट 20 मिनट, भाई क्या कर रहे हो यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर यहाँ तक रुके। चलो शुरू करते हैं। देखो आपके सामने हमारी स्क्रीन दिख रही है, हमारी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, ठीक है, फेसबुक अकाउंट है। अब मुझे देखो, आपके पास पेज होना चाहिए, वो सब बेसिक सेटिंग पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, पेज होना चाहिए और इंस्टाग्राम का पेज होना चाहिए, दोनों पेजेस आपस में कनेक्ट होने चाहिए। तो देखो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या है कि हमको अपना एड मैनेजर ओपन करना है, प्रोफेशनल एड मैनेजर मुझे ओपन करना है। उसके लिए देखो यहाँ पे ये देख रहे हो साइड में जो जहाँ पे मेरी डीपी लगी हुई है, इसके बाजू में यहाँ सी मोर का ऑप्शन है, आप यहीं क्लिक कर दो और देखो ये एड मैनेजर आ गया, यहीं पे क्लिक कर दो, ठीक है। और भी ऑप्शन है ओपन करने का, ऑप्शन नंबर 1 ये डॉट पे ऊपर भी जाके यहां पर भी आप सर्च करके निकाल सकते हो। और तीसरा मैं मेथड बता देता हूं, आपको यहां से नहीं समझ में आता है तो आप सबसे पहले अपने एक विंडो पर अपने इसको जो है ओपन कर लो, किसको, अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लो अपने विंडो पर, और बाजू में एक नया टैब ओपन करो। देखो यार बहुत सिंपल सा तरीका है, और नए टैब पे आप सर्च करो फेसबुक एड मैनेजर, फेसबुक एड मैनेजर आप देखो सर्च कर लो, ठीक है, और देखो बाजू में आपका दूसरे टैब पर ओपन होना चाहिए, और डायरेक्टली यहां से ओपन करो आपके सामने आपका एड मैनेजर आ जाएगा। देखो ये देखो एड मैनेजर मेरा खुल जाएगा, अब भी मेरा एड मैनेजर यहां खुल के आपके सामने आ गया, और इसको स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दो, ये वहीं पे जाके ऑटोमेटिक फेच करके फेसबुक से ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आसान है, सबसे पहले आप अपने एड मैनेजर को ओपन कर लो। तो देखो एड मैनेजर मेरा ओपन हो रहा है, ओपन हो जाने के बाद एड मैनेजर आपके सामने ये आ गया, ठीक है, ये देखो एड मैनेजर आपके सामने आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक नया एड क्रिएट करना है। जी हाँ, एक नया एड क्रिएट करना है। मेरे बहुत से एड चल रहे हैं बट मैं उनको कुछ भी छेड़ता नहीं हूँ, डायरेक्टली एक क्रिएट न्यू पर जाके एक नया एड क्रिएट करता हूँ। देखो क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, ये देखो क्रिएट पे क्लिक करो, सीधे सीधे क्रिएट पे क्लिक करो, और देखो अभी आपके सामने आपका जो भी गोल है वो आ गया है। अभी आप गोल डिसाइड कर लो, मेरे को क्या चाहिए, हमको देखो अगर अवेयरनेस चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, इंगेजमेंट चाहिए, लीड चाहिए, जी नहीं मेरे को लीड चाहिए, ठीक है, लीड ऐड पे क्लिक करते हैं। तो लीड ऐड के देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक एक चीजें मैं बता रहा हूँ कि इतने इंटेंट मैं एकदम क्लियर करके बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, कलेक्ट लीड फ्रॉम योर बिजनेस आर ब्रांड, अपने बिजनेस ब्रांड के लिए लीड क्रिएट करेंगे। अब यहां पे लीड किस फॉर्म में हो सकती है, मैसेंजर पे आ सकती है, इंस्टाग्राम पे आ सकती है, व्हाट्सएप पे आ सकती है, कन्वर्जन हो सकता है, कॉल्स हो सकती है, और साथ ही साथ आपका इंस्टेंट फॉर्म हो सकता है, इंस्टेंट फॉर्म। तो सभी को मैं बता दूं यहां पे सबसे बेस्ट आज के डेट में सबसे बेस्ट जो लीड होती है वो इंस्टेंट फॉर्म होती है, ठीक है। आप
इसको जो है अपने वेबसाइट पे भेज के ट्रैफिक को ना कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्जन नहीं आएगा। बहुत हम लोगों ने रिटर्न ट्राई किया है। कॉल्स ले सकते हो, नो डाउट अबाउट इट, बस कॉल बहुत सी मिसिंग हो जाती हैं, बिजी हो सकता है, नेटवर्क इशू हो सकता है, तो लीड जो है हम खो देते हैं। इंस्टेंट फॉर्म इज बेस्ट ऑप्शन, एंड इसके बाद इंस्टेंट फॉर्म के बाद अगर मैं किसी को लाइक करता हूँ वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे लीड ज़्यादा आती हैं, इंस्टेंट फॉर्म की अपेक्षा लीड ज़्यादा आती हैं, लेकिन पता है लीड की क्वालिटी थोड़ी सी कचरा जैसी हो जाती है, क्योंकि कोई भी ऐरा गहरा व्हाट्सएप पे क्लिक करके आके हाय हेलो करके मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए इंटरेस्ट शो कर देता है, जबकि उसको पता ही नहीं है कि ये बंदा मतलब चाहता क्या है। तो ऐसे लोगों को फिल्टर करने के लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, इंस्टेंट फॉर्म यूज करते हैं। तो चलो इसको हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लिक पे करते हैं। देखो आपकी एक एक पॉइंट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पे आ गया, मेरे को क्या करना है, मैनुअल लीड कंपेन मेरे को क्रिएट करनी है। देखो ये बोल रहा है कि ऑटोमेटिक लीड कंपेन क्रिएट करेंगे, नहीं मैं मैनुअल ही बनाऊंगा, अपने मन से बनाऊंगा, ठीक है। मेरी जो इच्छा है, जो मैं चाहता हूं, वो चीज यहां पे इंप्लीमेंट करूंगा, ठीक। अब देखो यहां पे कंपेन नेम सबसे पहले देना है, तो मुझे एक क्या मैं बना रहा हूं, एक LMS एप्लीकेशन मुझे सेल करना है ऑल इंडिया। और देखो ये मैं रियल बना रहा हूं, ये एड मेरा चलेगा, ऐसा नहीं कि इसमें मैं कुछ छुपा रहा हूं आपके सामने लाइव। और कल वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि इसकी कॉस्टिंग, देखो इसकी कॉस्टिंग महंगी आएगी, क्योंकि देखो एप्लीकेशन की इंडस्ट्री जो है ना वो तकरीबन इसकी कॉस्टिंग मेरे को अगर ये 20 रुपए के आसपास निकल के आती है, वेल एंड गुड। अब देखो अगर मैं एक स्पेसिफिक एरिया और किसी दूसरे नीच पे टारगेट करता हूं, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट किया था अपने लोकली एरिया में, तो वहां पे मैंने 5 रुपए तक मिनिमाइज करके लाया हूं, 5 रुपए 4 रुपए। तो आपकी भी लीड, जैसे देखो लोन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, देखो यार व्यक्ति सोचता कैसे है, हर किसी व्यक्ति को आज के दौर में क्या है, लोन की जरूरत है यार, 5,000 मिल जाती है, 10,000 किसी से मिल जाती है कुछ कम पैसे पे। तो ऐसी इंडस्ट्री के अगर आप लीड टारगेट करोगे ना, तो वहां पे 3-4 रुपए तक आ जाती है, ठीक है। आप इसको आप देखो अपने इंटेंट के अनुसार कितनी बड़ी ऑडियंस को आप चूज करते हो, कौन सी फील्ड को चूज करते हो, उसी के अनुसार आपकी लीड जो है ना वो 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 25 रुपए 50 रुपए ऊपर नीचे होती रहती है। तो ठीक है, फिलहाल हम अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो सबसे टफ इंडस्ट्री, सबसे कंपटीशन वाली इंडस्ट्री को हम टारगेट कर रहे हैं। मैं अगर 10 रुपए मेरी लीड आ गई तो मैं समझूंगा अपने आप को कि मेरा एड बहुत बेहतरीन चल रहा है, इसको मैं लाइव भी दिखाऊंगा आपको। चलो हम यहाँ पे देखो एक कंपेन नेम रख देते हैं, LMS लीड एड्स या लेडी मेरा बना है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर नीचे आते हैं, ठीक है। बार बार कंपेन क्या ही बना है। उसके बाद देखो कैटेगरी, अब देखो कैटेगरी सब कुछ समझ लो भाई, ठीक है। देख भाई अभी हमने क्या है, कोई कैटेगराइज नहीं किया, हमने ऐसे ही सीधे ही छोड़ दिया है। डिक्लेयर कैटेगरी इस इफ अप्लीकेबल, मैं अप्लीकेबल यहां पे इस कैटेगरी में मेरा एड मैच नहीं करता, इसलिए मैं इसमें से कोई भी चूज नहीं करने वाला हूं। देखो अगर हम इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए, बीजेपी के लिए, BSP के लिए, या समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए ऐड करूंगा, तो सोशल इशू इलेक्शन पॉलिटिशियन करूंगा, एंड हाउसिंग एड्स प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी एड्स है ना अगर उनको चलाऊंगा तो यहां पे क्लिक करूंगा। और एम्प्लॉयमेंट एड, जॉब ऑफर करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन देंगे, तो यहां पे एम्प्लॉयमेंट करेंगे। और उसी प्रकार से क्रेडिट कार्ड ऑफर दे रहे हैं, व्हीकल लोन्स दे रहे हैं, इस प्रकार की जो एड्स चलेंगे, ये लोन्स वगैरह वाले एड ना, तो उसके लिए हम क्रेडिट वाले पे क्लिक करेंगे। इसका हमें अप्रूवल और सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, इनको यहां पे हमारा सर्टिफिकेट अपलोड करके इनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद रन करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया चारों पॉइंट, तो हम इसको क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल मतलब डिक्लेयर एप्लीकेशन इफ एप्लीकेबल, मैं एप्लीकेबल नहीं, उसको छोड़ देता हूं, एज इट इज छोड़ देता हूं, ठीक है। अब बाइंग एक्शन पे आ जाते हैं, इसको भी एज इट इज हम छोड़ देते हैं एक्शन को, ठीक है। ये देखो हम एज इट इज छोड़ देते हैं, और यहां पे देखो मेरा कंपेन ऑब्जेक्टिव लीड है, कुछ नहीं करना मेरे को। और यहाँ पे देखो एडवांस बजट कंपेन बजट, इसको अभी हम शुरुआती दौर में, फिर मैं इसको एक्टिव नहीं करूंगा या किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करूँ। AB टेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि एक साथ हम 2-3 ऐड बना देंगे, जो ऐड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस ऐड के साथ हम बिल भी कंटिन्यू हो जाएंगे, और जो ऐड अच्छे नहीं चल रहे थे उनको हम डिसअप्रूव करके बंद कर देंगे, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, पूरा स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, अगर मिस हो गया तो मेरा आज का ये सेशन बेकार हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो आपके कोई भी सवाल नहीं आने चाहिए, मैं जहां तक समझता हूं इस वीडियो को देखने के बाद, मैं कैसे लीड जनरेट करके 4-4 रुपए 5-5 रुपए का लेके आता हूं। चलो हम आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो हम यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट आ गया। अब देखो यहां पे नेक्स्ट हम आ गए हैं, और यहाँ पे हम बाजू पे स्क्रीन कर देते हैं ताकि क्लियर दिखाई पड़े, ठीक। अब देखो यहाँ पे ऐड नेम नहीं आया हुआ है, ठीक है। पार्टनरशिप ऐड, देखो अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप पे काम करते हैं, समझो मेरी बात को,
जैसे मान लीजिए किसी ब्रांड के साथ, क्रिएटर के साथ आप रन करना चाहते हैं किसी ब्रांड का नाम यूज करके, ठीक है, तो वो चीज देखो पार्टनरशिप हो गई ना, ब्रांड आर अदर बिजनेस एंड फ्यूचर बात आइडेंटिफाई, मतलब उनके साथ आपका जो है वो पार्टनरशिप होनी चाहिए तभी आप उसको रन कर सकते हो, इसका प्रूफ भी ये मांग सकता, बट ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए। तो हम डायरेक्टली नीचे आते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है। नीचे हम आएंगे तो देखो मेरा फेसबुक पेज कनेक्टेड है, देखो फेसबुक इंस्टाग्राम का दोनों पेज मेरा कनेक्टेड है, दोनों पे लोगो वगैरह लगा होना चाहिए, ठीक है। अगर लोगो प्रोफाइल फोटो नहीं लगी है तो रन नहीं करेगा, ठीक है। उसके नीचे हम आ जाते हैं एड सेट, एड सेट आप किस प्रकार से क्रिएट करेंगे, ठीक है। देखो यहीं पे पूरा गेम है, समझो मेरी बात को, यहीं पर पूरा गेम है। अब पूरे जितना अच्छा आप ऑप्टिमाइज कर लोगे उतना बढ़िया आपका एड चलेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्राउजल हमको लगाना नहीं, हमको एक सिंगल इमेज या वीडियोस, सिंगल इमेज या वीडियोस, तो देखो मे को जो करना है वो सिंगल इमेज यहाँ पे जो है चलाना है, ठीक है, सिंगल इमेज आई थिंक वीडियोस चलाना है। तो देखो अब यहाँ पे नीचे हम और आते हैं और यहाँ पे देखो हम यहाँ पे पुराना जो डिफॉल्ट सिलेक्शन है इसको रिमूव करते हैं, ये देखो रिमूव किया, देखो ये रिमूव ऑल मीडिया हो गया, ठीक है, देखो पूरा एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन हो गया। अभी मेरे को यहाँ पे ऐड मीडिया सेलेक्ट करना है, ऐड वीडियो हम करेंगे, ऑलरेडी मेरा वीडियो यहाँ पे लगा हुआ है, देखो ये वेबसाइट ऐप नंबर 1 फ्री ट्रायल उपलब्ध, ठीक है। देखो ये वेबसाइट ऐप, मुझे ये ऐड चलाना है, मेरे ऐड बहुत से चल रहे हैं, मुझे यही ऐड चलाना है, वेबसाइट एंड ऐप के लिए मुझे लीड क्रिएट करनी है। और इस मैं कल से परेशान था कि मेरे को कब टाइम मिलेगा, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक रील भी बना दे, लोगों को लाइव दिखा दे कि हम अपना ऐड कैसे रन करते हैं, ठीक है। अब ऐड हम रन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है ना वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। समझो कि ये ऐड जो हमारा चलेगा, पहले मेरी ऐड को देखो, मेरी पहली प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, मेरी पहली प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि मेरी ऐड कॉपी कुछ इस तरह से बननी चाहिए। आप देखो आपके सामने ये दिख रहा है ऐड, मेरा दिख रहा है ऐड, ये दिख रहा है ऐड कॉपी। अब इसको हम चला के दिखाते हैं, अगर आपका ऐड ऐसा बना, जी हाँ नोट करिए, अगर आपका ऐड ऐसा बन गया, बाय द वे बहुत सिंपल है, आपको कभी समस्या होगी ऐड बनाने, इस तरह का ऐड ऐड कॉपी बनाने में, तो मुझे जो है आप जो है कम से कम 100 लाइक्स यहाँ पे कर दो, और एक कमेंट पर किसी कोई कमेंट कर दो, यस मुझे नीड है सर, ठीक है, 100 लाइक कर दो, हम बना देंगे, ठीक है। बहुत आसान है, फ्री में बनेगा, कोई भी फ्री का एप्लीकेशन भी हम आपको इंस्टॉल करा के ये चीज बनवा देंगे। देखो किस प्रकार से हमारा इंटेंट क्या है, ये देखो, हेलो टीचर, कंटेंट क्रिएटर आदि यूट्यूबर, हम आपके लिए लेके आए हैं आपका ब्रांडेड एप्लीकेशन, साथ ही साथ वेबसाइट। अब वेबसाइट ऐसी कि यकीन करिए कि पूरे मार्केट में इससे अच्छा वेब पेजेस या लैंडिंग पेजेस आपको ही भी प्रोवाइड नहीं करता, इतना सुंदर सुंदर लैंडिंग पेजेस मिलेगा, ऐसे लैंडिंग पेजेस के लोग 40,000 रुपए चार्ज करते हैं। आप सभी कोर्सेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको दिया जा रहा है सिक्योरिटी, एकदम सिक्योर डेटा आपका रहेगा, आपका डेटा कोई ना तो डाउनलोड अपलोड कर सकता है, ना ही उसको जो है किसी को शेयर कर सकता है। तो दोस्तों अभी इसको अपना बनाने के लिए सिर्फ आपको डेमो शेड्यूल करना होगा, डेमो लीजिए, देखिए, सोचिए, समझिए, तब डिसाइड करिए, क्योंकि आप अपने लिए एक बहुत बड़ी जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं, शुरुआत ही गलत हो जाएगी तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो प्लीज अगर आपको किसी भी प्रकार के एजुकेशनल एप्लीकेशन की जरूरत है तो आप इसको जो है डेमो शेड्यूल कर लीजिए। साथ ही मैं बता दूं यहाँ पे आपको जून का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है, जी हाँ जून का। आपको समझ में आई, देखो आपको जो है ये जो साइज है ना, ये स्क्वायर 1:1 की साइज रखा है, 1080x1080 का आप साइज इसकी रख लो, और ऊपर बीच में अपनी वीडियो को सेटअप करो जो इतना कि यूट्यूब पे चलता है वही साइज का वीडियो रखो, और ऊपर इस प्रकार से आप जो है पहले से ही एक डिसाइड कर लो, एक लेयर बना लो, बहुत आसानी से बन जाता है, एक बना लो, बीच में अपना वीडियो यहाँ पे पुट कर दो, पुट करने के बाद आप इसको सेव कर लो, आपका वीडियो आई कैची होना चाहिए, उसके बाद ही आप जो है आगे इस वीडियो के लिए जाना, तब भी लीड कम पैसे में आएगी यार, नहीं तो लोग बताते रहते एक इमेज डाल दो भाई 100-100 रुपए चले जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है यार, ठीक है, क्यों परेशान हो। तो चलो अब हम इसको सेटअप करते हैं फटाफट, जल्दी से इस ऐड को सेटअप करते हैं, उसके बाद उस पे देखते हैं और क्या क्या सब ऑप्शन है, ठीक है, चलो ये देखो
ये ऐड हमारा आ गया, ये दिख रहा है कि आपका ऐड ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि अगर आप एक स्क्वायर साइज में ले रहे हैं, मतलब कि 1:1 के रेशियो में ले रहे हैं, तो आपका ऐड सभी प्लेटफॉर्म पर अमूमन देखने को मिलेगा कि वो सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर कहीं दिक्कत है तो आप उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब देख रहा हूँ, ये 16:9 के रिकमेंडेशन पे जो वीडियो मेरी आ रही है, इसको ट्रिम एंड क्रॉप कर सकते हैं, या इस साइज का जो 16:9 का है ना, इस साइज का मुझे वीडियो बना लेना चाहिए, जो कि मैंने नहीं बनाया है। याद करिएगा, आप मेरे से भी अच्छा बनाइएगा, क्योंकि मैंने यहां पे आपको दिखा रहा हूं, इसी पे रन करूंगा, लेकिन आप मेरे से भी अच्छा बनाइएगा। एक साइज बनाइएगा इसका 1:1 का रेशियो बनाइएगा, दूसरा बनाइएगा 16:9 का रेशियो बनाइएगा जो यूट्यूब पर पड़ता है, तीसरा वीडियो का यही सेम वीडियो ही होना चाहिए, इसकी साइज ही अलग कर देना, तीसरे की साइज होना चाहिए 9:16, मतलब जो कि आपकी इंस्टाग्राम वगैरह पे जो रील्स चलती है ना, उसके साइज का बना लेना भाई। अगर ऐसा बना लोगे ना, तो ₹1 और आपकी प्राइजिंग नीचे चली जाएगी। पता है क्यों चली जाएगी? आपका ये पूरा विंडो यूज हो जाएगा, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक का एरिया आप यूज कर लोगे, और सब बातें अच्छे से लिख लोगे, लोगों को और अपीलिंग लगेगा। जब कोई चीज और अपीलिंग लगेगा तो सीधी सी बात है ना, बंदे ज्यादा फॉर्म फिल करेंगे ना। अगर यहाँ पे आपको ₹5 पर लीड आ रही तो वहां पे ₹4 आएगी भाई, इतना कर लेना, ठीक है। मैं आपको बताना मेरा धर्म था, मैंने वो बता दिया, बाकी नहीं करते हो तो फिर वो आपकी मर्जी। चलो ट्रिम एंड क्रॉप पर क्लिक करके इसको हम सेटअप कर लेते हैं। देखो जहां पे मेरे को लग रहा है कि ये दिक्कत है ना, तो उसको जो है आप सेटअप कर लो। ये देखो ये प्रीव्यू दिख रहा है, आप यहां पे प्रीव्यू का मतलब ये है कि इतना अगर प्रीव्यू हम ऑन करते हैं तो ये सेक्शन आता है। 1 मिनट कंफर्म यहीं पे करके हम इसको, 1 मिनट में इतना चाहिए, ये इतना चाहिए मुझे, इतना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें कंफर्म कर देंगे। देखो अभी ये, अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, देखो ध्यान से देखना दोस्तों। अब देखो ये देखो, ये मेरी साइज देखो, अभी परफेक्ट हो गई ना। हेलो टीचर, कंटेंट क्रिएटर आज यूट्यूबर, हम आपके लिए लेके आए हैं आपका ब्रांडेड एप्लीकेशन, साथ ही साथ ये वाला देखो, ये वाला परफेक्ट चल रहा है, इसमें कोई चल रहा है, हम आपके लिए लेके आए हैं आपका ब्रांडेड एप्लीकेशन, साथ ही साथ। अब इस कॉपी को देखते हैं, फर्स्ट वाली कॉपी को, फर्स्ट कॉपी पे भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इस साइज का वीडियो नहीं बनाया है। सेम वीडियो रन करेगा, हेलो टीचर कंटेंट क्रिएटर आज यूट्यूबर, हम आपके लिए, ये वीडियो आपके जो जितने भी एप्लीकेशन है, मतलब आप जब भी स्लाइड करते हो, कुछ देखते होते हो, इमेजेस वीडियोस वगैरह ना, तो फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स पे ये सब, ये वीडियो मेरा दिखेगा, ये पहला वाला वहां पे दिखेगा, ये देख रहे हो, ऊपर नीचे रेड रेड उसकी बैकग्राउंड हो जाएगा। साथ ही साथ देखो, ये आईडी बता रहा हूं यार, देखो कैसे वर्क करता है, कहां कहां दिखता है, देखो एकदम लाइव करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट किया, देखो हम आगे बढ़े, ये सारे पैरामीटर मेरे डन डन एंड यहां पे डन। हमने एड कॉपी सेट कर लिया, अब सारे प्लेटफॉर्म देख लो, ये देखो हर जगह ये अभी ऑटोमेटिक ये दिखा रहा है कि ऐसा दिखेगा सर, आप यहीं से देख सकते हो। कहीं पे अगर आपका वीडियो नहीं दिखता है तो उसको एडिट करके यहीं से आप सेटअप करके बना सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका है प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एक डिस्क्रिप्शन दे दो बढ़िया सा, प्राइमरी टेक्स्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट एटलीस्ट 5 दे सकते हो, 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी टेक्स्ट दे दो छोटे छोटे। और देखो हेडलाइंस आप की संख्या, आप तो दोस्तों आपको अपना ऐड बनाने से पहले आपके कंपटीटर पता होने चाहिए। मेरा कंपटीटर देखो कौन है, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन के क्षेत्र का भारत का सर्वश्रेष्ठ, कह लें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है भारत में, पता है कौन है, क्लास प्लस है। तो हमारा कंपटीटर कौन हो गया, क्लास प्लस हो गया। तो मेरे को क्या करना है, हमको अब क्लास प्लस को क्या करना है, देखना है कि उसने कैसे बनाया। अब चलते हैं अपने कंपटीटर का ऐड देखते हैं। सबसे पहले हम फेसबुक पर आ जाते हैं, वहां पे लिखते, गूगल पे आ जाते हैं, वहां लिखते हैं फेसबुक ऐड लाइब्रेरी। देखो ये फेसबुक ऐड लाइब्रेरी सर्च किया, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर जितने भी हैं किस प्रकार से ऐड चला रहे हैं, उनके ऐड को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ कैटेगरी पे सभी कैटेगरी हमने लगा दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास प्लस लगा के इंटर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखना, क्लास प्लस के चलने वाले सारे एड्स आ गए, ठीक है। क्लास प्लस पे जितने भी ऐड चल रहे हैं वो आ गए, देखो ये ध्यान से देखो, ये क्लास प्लस आ गया, सौरभ दादा, सौरव गांगुली, ठीक है। ये देखो नीचे आते हैं, ये देखो सौरव दादा, ये देखो सब आ गए ना, इसके
जो भी हैं प्रमोटर सौरभ दादा ही है ना, तो क्लास प्लस ये देखो, ध्यान से देखो, ये देखो, ये देखो, अमरीश भारती सर हैं, देख रहे हो, जो यूट्यूबर हैं वो भी उनको भी प्रमोट कर रहा है क्लास प्लस, क्योंकि इससे जुड़े हुए हैं, उसके प्रमोटर हैं, एज ए प्रमोटर काम कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा ना, अब यहाँ पे क्या करना है, इनको देखना है कि भाई इनकी हेडिंग्स वगैरह कैसी हैं। ये हेडिंग देखो, ग्रो योर कोचिंग ऑनलाइन, ठीक है, क्लास प्लस के साथ जुड़े, क्या आप यूट्यूबर हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से एकदम देखना। अब नीचे देखो, ये देखो, मैं और फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या पड़ी हुई है, ये देखिए, ग्रो योर टीचिंग बिजनेस 10x, 10 गुना ज्यादा कमाई करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स करके इन्होंने बनाई है। तो पूरा हम यहाँ पे क्या है, इनका कॉपी करते हैं और इनको ध्यान में रखते हुए अब चैट जीपीटी पे चलते हैं। चैट जीपीटी की मदद से देखो, ये हमने वहां से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद हमने क्या किया, इन अब चैट जीपीटी से ऐड लिखवा लिया, ऐड कॉपी, ध्यान से देखो, ये लिखवाया, अभी अभी मैंने लिखवाया है, ठीक। अब एक एक चीजें हम चलेंगे, वहां पे पोस्ट करेंगे, हिंदी में भी लिखवा लिया, ये देखो एड कॉपी आ गई ना हिंदी में, ये देखो एड कॉपी वन, ठीक है, 5 एड कॉपी हमने लिखवा ली है। अब देखो ये देखो, ये देखो हिंदी में हमारा है, तो हम हिंदी में ही ज्यादा हमें अच्छा लगता है, ठीक है। अब इसको हम कॉपी करेंगे, अब यहाँ पे देखो फटाफट फटाफट चलना भरना, अभी आगे हम बढ़ जाएंगे, शुरू कर देंगे, ठीक है। दोस्तों एक चीज मिसिंग है, ध्यान देना, ये जो ऐड चलता है ना, इस पे जो एक डेली बजट होता है ना, इस पे आपको ध्यान देने योग्य है, आप डेली बजट कितना मिनिमम रख सकते हो। तो पूरा टोटल कंपेन बजट भी डिसाइड कर सकते हो, डेली बजट भी डिसाइड कर सकते हो, हमने डेली बजट दिया है, लाइफ टाइम बजट भी लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो हमने डेली बजट लगाना, डेली बजट मिनिमम आप 84 रुपये एंड आई थिंक 13 पैसे लगा सकते हो, 13 पैसे, ठीक है, मिनिमम सबसे कम डेली बजट आप लगा सकते हो 84 रुपये 13 पैसे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं पूरा 86 रुपये या 85 रुपये 50 पैसे, बस बजट हम बढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमें टेस्टिंग करना है इसको, इस ऐड को, इसलिए हमने लगाया है। हाँ, मैं अब कोई पूछेंगे सर मेरा बजट कितना होना चाहिए, मैं इसका भी जवाब दूंगा। देखो सबसे बढ़िया बजट माना जाता है 300 रुपये पर डेली का बजट माना जाता है, सबसे अच्छा बजट माना जाता है इंडस्ट्री के लिए। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इसको मैं बढ़ा दूंगा जैसे ही लाइव होगा तो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, स्टार्ट डेट इन डेट, ठीक है, स्टार्ट डेट और इन डेट आपको ध्यान में रखना है कि आप किस दिन आपका ऐड स्टार्ट होगा, इस चीज को ध्यान रखना। आज तारीख 2 है और आज ही ऐड स्टार्ट होगा तो आज ही चलने लगेगा पैसा, आज ही जल्दी से जल्दी ये खत्म कर देगा, तुरंत खत्म कर देगा। अगर आप देखो, अब पूछते हैं कि आपको मतलब कि एड्स कब से कब चलाना चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ऐड अगर आप इंस्टेंट फॉर्म ले रहे हो तो 24 घंटे चला दो, समझ में तो आएगा किस समय लोग ज्यादा फ्री रहते हैं। देखो अब वो ऐड यहाँ पे ना सुबह सुबह मॉर्निंग में लीड आती है, जिसको लगभग अप्रोक्सीमेटली 8 से लेकर 10 के अराउंड लीड आती है, उसके बाद लोग ऑफिस चले जाते हैं, फिर लीड फॉर्म नहीं पड़ते, फिर जैसे ही 5 से 6 बजता है ना फिर से लीड आने लगती है, लगभग 8, 9, 10 बजे तक लीड आती, कभी कभार 11 से 12 बजे के बीच में रात में लीड आती, क्यों आती पता है, उस समय लोग सबसे ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, मैं इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। तो देखो आपको डिसाइड करना है, दोपहर में जब छुट्टी होती है लोगों की, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं दोपहर में खाने होने के बाद जो है ना, उसके बाद भी लीड आती है, ठीक है, वो बीच के दौरान लीड आती है, तो समझो लोगों के इंटेंट को, समझो भाई क्या करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई सेट इंडेट कर सकते हो या कोई शेड्यूल कर सकते हो कि एक निश्चित समय पे हमारा बजट ज्यादा यूज हो, जैसे हम चाहते हैं कि 4 से 5 के बीच में ज्यादा लीड आती है, तो हम यहाँ पे देख रहे हो, अब यहाँ एड रन ऑल टाइम जो लिखा है, यहाँ पे जाके हम शेड्यूल कर देंगे कि निश्चित समय पे हमारा बजट ज्यादा यूज हो, मतलब शाम को हमारा बजट ज्यादा से ज्यादा यूज हो जाए। पूरा लोकेशन हमने रख लिया, ध्यान से देखो ये लोकेशन रखा, पूरी इंडिया रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सीधे से देखो, ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा हम पीछे जो एड सेट बना रहे थे थोड़ा आगे चले गए थे, ठीक। अब यहाँ पे मिनिमम एज रख लेते हैं, मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, हमने ऊपर तक ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लैंग्वेज आल रखा है, लैंग्वेज आल पे देखो हम हिंदी रख देते हैं, भाई हम हिंदी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, हिंदी कर देते हैं, आप हिंदी इंग्लिश दोनों कर लेना, अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, ठीक है। हाँ, अब नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो एडवांस
ऑडियंस का ऑप्शन एक ये है कि यहाँ पे आप एक्टिवेट करके कुछ थोड़ा सा, अब देखो ऑप्शनल है, इस पर क्लिक करेंगे कि एडवांस। इसी फीचर की मेन बात होती है जब हम ऐड बनाने लगते हैं, ठीक है। अभी देखो ऐड कॉपी फिर से बनाएंगे, मैं थोड़ा जल्दी वहाँ पे चला गया था, तीसरे पेज पे, माफ करना, ऐड सेट पे चला गया था, ठीक है। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने चूज कर लेना है कि भाई देखो कोचिंग अकेडमी एक चलाने वाला व्यक्ति आई थिंक 18 साल का भी हो, आज के यूथ हर कोई पढ़ाना चाह रहा है, 45 साल तक लोगों को हम टारगेट करेंगे पूरे इंडिया में, 18 से 45 के बीच। जेंडर आल है, पता है क्यों? अभी तक मुझे सिंगल कॉल्स नहीं है कि जहाँ पे महिलाओं ने कॉल किया हो, मैंने इतना लीड 400 लीड जनरेट किया है, तो आई थिंक महिलाओं का लीड भी नहीं आती है, तो वो लोग देखती हैं तो पैसा वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर इस ऐसे फैसलों में, मामलों में क्या होता है, देखो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ यार, ठीक है, वीडियो पूरा देखना, मैं आपको आइडिया, तो ऐसे मामलों में क्या होता है कि महिलाएं जो है निर्णय नहीं लेती हैं, क्योंकि उनको मतलब थोड़ा सा क्या, दुनियादारी ऐसा नहीं है कि वो पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन ये होता है ना कि लोगों की ये सोच है, मेंटेलिटी है, तो हम भी ऐसे ही सोच रहे हैं, ठीक है। जब दुनिया बदल जाएगी, हमारी इंडियन की सोच बदल जाएगी, तो हम भी जो है मेल फीमेल दोनों को टारगेट करने लगे, ठीक है। मेरा किसी को हर्ट करना मेरा कोई अभिप्राय नहीं है, तो वो देखो अब यहाँ पे मैंने मैन को टारगेट कर लिया, ध्यान से देखो ये मैन को टारगेट कर लिया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, ये तीनों जो ऐड सेटिंग का शुरुआत वाला, सेकंड लीड ऐड सेटअप एंड ऐड ऐड कॉपी, तीनों ही ऑप्शन दिख रहा है ऊपर से देखो ये, ठीक है। तो अभी हमें बीच में है, अब देखो यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे पूरा गेम है, यही जो है आपकी लीड को, कैसी आपकी लीड आने वाली है, कितने पैसे में आने वाली, कितने रुपए में आने वाली, यहीं से डिसाइड होगा, ठीक है, यहीं से डिसाइड होगा। जी हाँ, नोट कर लीजिए। अब देखिए डिटेल टारगेटिंग का मतलब क्या है, अब मुझे प्रोडक्ट सेल करना है, प्रोडक्ट ही तो सेल कर रहा हूं ना, क्या है, एप्लीकेशन सेल कर रहा हूं ना भाई, एप्लीकेशन सेल कर रहा हूं, तो मुझे किसको टारगेट करना है भाई, कौन जो है ये एप्लीकेशन बनवाएगा, चलो हम हिट एंड ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाई क्या बनवाएगा, टीचर, टीचर सबसे पहले मेरा जो टारगेट हुए हैं टीचर, आप ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने जो है डिटेल टारगेटिंग में टीचर को रखा है, जिनको देख रहे हो करोड़ों में इनकी संख्या आ गई, करोड़ों में इनकी संख्या आ गई, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब मुझे नैरो करना है, ऑडियंस को नैरो करना है, दैट इज कॉल्ड नैरो ऑडियंस। अभी ये ऑडियंस कम होती तो हम यहीं पे और कैटेगरी चूज कर लेते, दो तीन कैटेगरी और करके करोड़ों में संख्या को पहुंचा लेते, फिर उसको हम फिल्टर लगाते, बस यही गेम है, ध्यान दो। अगर मुझे टीचर के अलावा अगर मैं यहां पे चूज कर लूं यूट्यूबर, यूट्यूबर देखो, ये देखो यूट्यूबर आ गए, यूट्यूबर 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 स्ट्रीमिंग सर्विस में नहीं, यूट्यूब देख लेते हैं एक मिनट, यूट्यूब देखो, YouTube में जो इम्प्लॉई हैं 56 लाख लोग, ये भी आ जाएंगे, तो देखो अभी इसकी संख्या बढ़ जाएगी, ये देखो सीधे सीधे संख्या बढ़ गई, करोड़ों में संख्या बढ़ गई, ध्यान दो हमने यूट्यूबर और टीचर को टारगेट कर लिया। अब यहाँ पर अब मेन चीज, अब यहीं पे हम अप्लाई करने वाले हैं, जी हाँ मेन चीज अप्लाई करने वाले हैं। अब इस ऑप्शन पर ऐड डेमोग्राफी सजेशन पे जाके हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ऑटोमेटिक, देखो ढेर सारे आ गए, हाई स्कूल टीचर, यूट्यूबर, 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 फेसबुक, सोशल मीडिया से संबंधित, तो आप चाहो तो ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑडियंस बना लो, करोड़ों में आपकी ऑडियंस होगी, डजंट मैटर। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको फिल्टर अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, फिल्टर अप्लाई करना है, एंड आल्सो मैच के नीचे, ये दिख रहा है ना, एंड आल्सो मैच मतलब एक व्यक्ति यूट्यूबर है, टीचर है, उनकी संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 11 करोड़ हो गई अप्रोक्सीमेटली, मान लो 10 करोड़ हो गई। अब उसमें फिल्टर लगेगा कि ये दोनों टीचर और यूट्यूबर इसके साथ साथ क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिल्टर। अब फिल्टर यहां पर हम लगाएंगे और फिल्टर पर क्या लिखेंगे कि जैसे ये कंटेंट क्रिएटर हो गए, ये कंटेंट क्रिएटर हो गए भाई, कंटेंट क्रिएटर हो गए तो बहुत कम संख्या हो जा रही है, आई थिंक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखें अभी देखिए कितना हो जाएगा, ये देखो 1000 लोग हो गए, तो भाई 1000 लोगों को क्या ही मैं ऐड दिखाऊंगा, देखो देखो ध्यान से देखो, मैं मेरा समझाना मेरा उद्देश्य है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और अप्लाई करेंगे, कोई और पैरामीटर अप्लाई करेंगे, मतलब क्या कर सकते हैं, नैरो ऑडियंस करें, नैरो ऑडियंस पे न
नहीं वेल्थ भी नहीं, नैरो ऑडियंस पे अब क्या अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मेरे को यही तो काम करना है, ये पहले से पेपर वर्क होता है, पहले से पेपर वर्क होता है, जबकि मैं यहाँ पे फेसबुक पे बैठ कर मतलब ये क्रिएट करते हुए पेपर वर्क कर रहा हूँ, ये गलत है, ये मेरे को पेपर वर्क करके आना चाहिए था, ठीक है, एक यूट्यूबर हूँ और टीचर हूँ, ठीक है, ये दोनों मेरे लिए ऑप्शन होने चाहिए, कंपलसरी है तो है, ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे टीचर पे एक फिल्टर लग जाए तो मज़ा आ जाए, ठीक है, चलो, जिनके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, अब ये सोचो इसमें मेरा क्या मतलब लॉजिक है यार, ध्यान से देखो, ठीक है, ये देखो इनके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, अब ये सोचो ये कौन सा नॉनसेंस आइडिया है, अब ये सोचोगे ना, ये देखो कितनी संख्या आ गई, ये देखो 63,000 से लेके 74,000 लोग आ गए, ठीक, इसको देखो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये कि इनके पास पैसा नहीं भी रहेगा तो भी ये क्रेडिट कार्ड से पैसे पे करके, नहीं सोचो सोच अपनी थिंकिंग बढ़ाओ ना, पैसे पे करके हमारा एप्लीकेशन ले लेंगे क्रेडिट कार्ड से, इसीलिए हमने इनको टारगेट कर लिया, ठीक है, तो फिर हाँ ठीक है कोई बात नहीं चलने दो, उसके बाद एक और इंटरेस्ट यहाँ पे लगाते हैं, फर्दर नेरो नहीं करेंगे तो भाई देखो फर्दर नेरो अगर हमने लगा दिया यहाँ से तो ये 63,000 में से फिर से नेरो हो जाएगा, पता नहीं 20,000 हो जाए, मुझे अपनी ऑडियंस कम से कम 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 रखनी है, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और फिल्टर लगाएंगे, ये इसीलिए फर्दर अभी नहीं लगा रहा हूं, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, अभी वो क्या होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड उनके पास होना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड उनका ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हूं, हाँ एक चीज और हो सकता है, लग्जरियस लाइफ हो, हम सबसे ज़्यादा समय देने वाले हैं, YouTube लिया था, टीचर को लिया था, उसके बाद उनको जिनका इंटरेस्ट Flipkart में है, ऑनलाइन शॉपिंग में है और उनका एडवर्टाइजिंग में है, एडवर्टाइजिंग में जिनका इंटरेस्ट है, तो ऐसे लोगों को हमने जो है ना कि चूज़ किया था और उनकी उसके बाद जो हमको ऑडियंस मिल के आई थी लगभग 50,000-60,000 के आसपास की ऑडियंस हमारे पास निकल के आई, ऑडियंस छोटी है बट कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे लिए बहुत परफेक्ट ऑडियंस है, तो देखो मैं सिर्फ बनाना और बना के दिखाना हम समझ रहे थे आपको दिखा दूँ, इसीलिए हमने थोड़ा सा वक्त लगा है इसको बनाने में, फिर नेक्स्ट करते हैं, देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, अब फिर से हम ऐड सेट पे आ जाते हैं, अब देखो ऐड सेट पे हम काम कर रहे थे, आपको पता होगा पिछला वीडियो जब आप देख रहे थे तो वहाँ पे हम इसी ऐड सेट पर ही थे, तो फिर से ऐड सेट बनाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ देखो ये कॉपी किया, सॉरी इस पर ये देखो कट किया और यहाँ पे डायरेक्टली आ गए हमने मीडिया पर, मीडिया पे आने के बाद हमने कर लिया देखो फिर से वही अपना वेबसाइट एंड ऐप का ऑप्शन को ऐड कर लिया, ध्यान से देखो, देखो कंप्लीट किया और देखो हमने क्लिक किया, मुझे सब पसंद है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले, हम नेक्स्ट कर दिया क्योंकि मुझे लगता है ये सब सही है, सारे पैरामीटर सही हैं, देखो ये आ गया, तो सारे हमको ये दिखने लगे हैं, ठीक है ये दिखने लगा है, अब मुझे करना क्या है फटाफट से, ठीक है, एक तो क्रिएट फॉर्म क्रिएट करना है, जो लोग फॉर्म भरेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है, ये चीज़ अगर आप समझ गए तो फेसबुक ऐड चलाने में आपको बढ़िया ऐड चलाने में कोई रोक नहीं सकता, ठीक, अब यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, सीधे आप चलना है फटाफट सब भरना है, ठीक है, तो भरने के लिए हमने आपको बता दिया था इसके पहले कि चैट जीपीटी से हम सब कुछ लिख चुके हैं, सबसे पहले क्या है ऐड कॉपी, हम कॉपी करते हैं पहली ऐड कॉपी को और डायरेक्टली हम चलते हैं अपने ऐड पर, ये देखो हमारा ऐड है, देखो प्राइमरी टेक्स्ट पे हम इसको यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है, ये देखो प्राइमरी टेक्स्ट पर हमने टाइप कर दिया, ठीक है, हाँ उसके बाद ऐड टेक्स्ट ऑप्शन एक और भी ऐड कर लेते हैं, 3-4-5 ऑप्शन है तो पूरा उपयोग करो ना, अपनी कोचिंग को डिजिटल बनाएं, देखो दूसरा वाला हम ले लेते हैं, ये देखो सारी ऐड कॉपी पे ऐसे ही हम टेक्स्ट जो है डिफरेंट करके पूरा उपयोग करेंगे, ठीक है, अपनी कोचिंग को डिजिटल बनाया, देखो तीसरा भी हम यूज़ करते हैं, ध्यान से देखना ऐड टेक्स्ट ऑप्शन पे जो है तीसरा भी हम भर लेते हैं, मतलब जितना कॉलम है अपने ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएं, ठीक है, ये देखो कुछ नहीं करना है भाई मेरे, ये देखो कॉपी करो, हमने सब चैट जीपीटी से लिख लिया समय को बचाने के लिए, ठीक है, ये देखो हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, 3 हो गए, और भी करना है मेरे पास 5 अभी लिखे हैं, तो अपनी कोचिंग को 10 गुना बढ़ाएं, ये भी कर लेते हैं अपने भविष्य को, ठीक है फटाफट थोड़ा क्योंकि समय नहीं है, बहुत लंबा वीडियो होगा, क्योंकि देखो यार रियल वीडियो में मैंने कुछ यहाँ पे छुपाया नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है कंटेंट, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैंने कितने बारीकी से सब कुछ बताया, अब हेडिंग का नंबर आ गया, हेडिंग आप यहीं से कॉपी कर लो, अपनी कोचिंग को 10 गुना बढ़ाएं,
ये आपकी हेडिंग बना लो एक, या फिर चैट जीपीटी पे हमने लिखा हुआ है हेडिंग्स, हेडिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो, अपनी कोचिंग को 10 गुना, कमाई को 10 गुना बढ़ाएं ऐप के साथ। ठीक है, हेडिंग आप यहाँ पे डालो, देखो हेडिंग देख रहे हो ना, हेडिंग हेडलाइंस बहुत ज़रूरी होती हैं। ये देखो बाजू में आपकी आपकी वीडियोस दिख रही हैं, किस प्रकार से आपकी वीडियोस पर दिखेगा ये देखो, ये ध्यान से, ध्यान से देखो। फिर नई हेडिंग ऐड करते हैं, और नई हेडिंग पे क्या, डिजिटल बने अपनी कोचिंग, अपनी पूरे भारत में छात्रों तक पहुंच बनाए। ठीक है, ये देखो, ये भी हेडिंग बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो हेडिंग, हेडिंग हो गई। ठीक है, तीसरी हेडिंग हम ऐड कर देते हैं, अपनी ब्रांड वेल डिजिटल बने और अपनी कोचिंग में भविष्य बनाए। तीसरा भी हम ऐड कर लेते हैं, 5 ऐड कर देते हैं ना पूरा। तीन हो गया, चौथा भी ऐड कर देते हैं। देखो पूरा हम उपयोग करेंगे, जब फीचर हैं तो भाई क्यों नहीं। आप समय बचाने के लिए एक हेडिंग दे देते हो, उससे जो है आप आरओआई आपका निकल के नहीं आता, फिर कहते हो मेरा ऐड अच्छा क्यों नहीं बना। सब चैट जीपीटी की मदद से, हमने कुछ नहीं किया भाई, क्या किया बताओ ना, कुछ किया है, एकदम सिंपल सा तो हमने बनाया है। अपनी कोचिंग को नई ऊंचाई पर लेके जाए, ये देखो पांचों हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, कुछ किया, डिफिकल्टी कहीं समझ में आई किसी को, तो बात कर सकता है। देखो ध्यान से, सबसे पहले जो हमने वर्ड्स को लिया था, टेक्स्ट लिए थे, देखो ये आ रहा, अपनी कोचिंग को भविष्य का भविष्य बनाएं, अपने कोचिंग व्यवसाय को नई ऊंचाई पर लेके जाएं, नीचे ये आ रहा, हेडिंग्स आ रहा है, अपनी कमाई को 10 गुना बढ़ाएं। देखो ये बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। डिस्क्रिप्शन आपको एक डालना है, एक या 5 डिस्क्रिप्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्क्रिप्शन हम एक ही दो डाल दूँ। डिस्क्रिप्शन आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मुझे लगता है एक दो डाल दो। ठीक है, यही एकदम सेम चीज़ यहाँ पे डाल दो डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन 2 में भी क्लिक कर दो, सेम चीज़ जो यहाँ पे चैट जीपीटी से मैंने लिखा, अपनी कमाई को 10 गुना बढ़ाया ऐप के साथ। ठीक है, एकदम सेम, एकदम हूबहू डिप्टो कॉपी किया, और देखो ये देखो, और यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे कर दिया कॉपी एंड पेस्ट। ध्यान से देखो यार, कितना बढ़िया ऐड हम बना रहे हैं भाई, एकदम प्रोफेशनल ऐड है। और बहुत सी चीज़ें ऐड में होती हैं जो लोग बताते नहीं हैं कैसे बनाना है, बस आपको लगता है कि एक इमेज बना ली हमने, बोलिया भाई इमेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग, व्यक्ति की नज़रें वहाँ रुक जानी चाहिए जब भी ऐड आपका सामने आए। वीडियो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब भी बंदा क्लिक करे ना, तो फटाक से वीडियो पे आपके आए तो 10 सेकेंड एटलीस्ट वहाँ पे वेस्ट टाइम करके तभी जाए वीडियो में, तभी वो लीड फॉर्म भरेगा। अगर इतना अच्छा वीडियोज अगर आप क्रिएट कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम भाई, आप कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये देखो बन गया, बना बन गया ना, किसी को कोई दिक्कत। 4 डिस्क्रिप्शन हमने लिख दिया, बढ़िया से एकदम डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है ना। ठीक है, अब चलो, अब यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना, क्रिएट फॉर्म, फॉर्म क्रिएट कर लेंगे, हमारा सारा झंझट जो भी है प्रॉब्लम समाप्त। फॉर्म क्रिएट करेंगे, सबसे पहले कौन सा देखेंगे, इंटेंट एंड फॉर्म का देखेंगे कि कौन सा फॉर्म हमें क्रिएट करना चाहिए। बढ़िया लीड चाहिए तो हायर रिच क्रिएटिव पे जाना पड़ेगा, या हायर क्रिएटिव पे, और लीड्स ऐसी चाहिए हमको, ज़्यादा संख्या में लीड चाहिए तो हमें मोर वॉल्यूम पे चाहिए, तो मुझे हायर इंटेंट चाहिए। रिच क्रिएटिव एड मेरा चल रहा है, इसलिए मुझे इस समय हायर इंटेंट का ही चाहिए, तो हायर इंटेंट पे मैंने लिख दिया, और इस फॉर्म का नाम लिख दिया जो है LMS लीड हायर इंट, HER हायर इंटेंट। ठीक है, तो देखो लीड फॉर्म का नाम हमने दे दिया, लीड के लिए हमने ये फॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, अब यहां पे ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो एक कंटेंट आता है, सेटिंग आता है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, एक एक चीज करके यहीं पे चलेंगे। यहां पे हम ओपन कर देंगे, जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, तो व्यक्ति किसी को शेयर कर दे तो वो भी फॉर्म भर दे, तो यहां पे हम ओपन कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे फील्ड नेम वगैरह, इसको हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और अभी इसको हम चल के नीचे से जो हम अभी कंटेंट से जाके इसको हम क्रिएट करेंगे। अब चलो, अब इस पे आ गए, तो सबसे पहले ये है हायर इंटेंट पे हम आ गए, और इतना हमने कर लिया। ठीक, अब यहां पे हम क्लिक करते हैं इंट्रो, कंटेंट पे आएंगे तो देखो इंट्रो, इंट्रो पे सबसे पहले ये ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड ऑप्शनल, योर इमेज विल बी अपीयर बिहाइंड योर बैकग्राउंड, अगर आप इसको एक्टिव कर वो रखेंगे इमेज तब,
तो नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ऐड ग्रीटिंग करना चाहते हैं तो ग्रीटिंग ऐड कर लो। तो कभी कभार लोग इमेज लगाते हैं नहीं भी, मुझे लगता है इमेज लग जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ता है, लेकिन इमेज लगाना अच्छी बात है। अगर आपके पास इमेज है तो वेल एंड गुड, आप यहाँ पे इमेज अपना लगा दीजिए, ठीक है। आप इमेज को लगा दीजिए, तो मुझे अभी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। हम पहले ऐड कॉपी ये हम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम इमेज अभी नहीं लगा रहे हैं, ठीक। सबसे पहले ये, अब उसके बाद हम आ गए हैं फॉर्म पे, और यहाँ पे देखते हैं कि इंट्रो के बाद कि फॉर्म जो क्रिएट होगा अब ये कैसे क्रिएट होगा, ये सबसे बड़ा सवाल यहीं पे है। सबसे पहले जब आएंगे लोग तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल आपके सामने यही होता है, ठीक है। तो देखो ये हायर इंटेंट पे है, नीचे हमारा इंट्रो है, इंट्रो पे अगर हमको ग्रीटिंग जो भी ऐड करनी है हम ग्रीटिंग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। जो भी शार्ट में ग्रीटिंग हमको ऐड करनी है हमको यहाँ पे कर लेना चाहिए। शार्ट में देखो ग्रीटिंग ऐड करने का मतलब हमें इसी में से कोई हेडिंग कर लेना चाहिए, अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाएं, अपनी खुद की ऐप लॉन्च करें, यही हमारी मेन हेडिंग के पे आके इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब देखो ये आ गया, ठीक है। ये देखो अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाएं, अपनी खुद की ऐप लॉन्च करें, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन देना है, दे सकते हैं और मे बी नहीं भी, चलो थोड़ा सा दे देखते हैं। ये देखो यहाँ तक हमने डिस्क्रिप्शन छोटा सा कॉपी कर लिया और डिस्क्रिप्शन को हमने जो है यहाँ पे कर दिया पेस्ट। देखो बहुत आसानी से, ये देखो कोर्स बेचे, लाइव सेशन ले वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना मैं कितना अच्छे से बना रहा हूँ। तो ये ग्रीटिंग आप लगा देना। अब उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछने वाले हो, ठीक है। नाम दे रहे हो, ठीक है, ये नाम आप पूछ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम आप पूछ सकते हो। ये नाम को पकड़ के ऊपर कर दो, ठीक है, या ईमेल को नीचे कर दो, जहाँ भी जो करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन हमको यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करना है हमको फील्ड कौन कौन सा, फ़ोन नंबर ऐड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फ़ोन नंबर मेरे को ऐड करना है। उसके साथ मुझे और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। अब जैसे देखो मुझे और क्या चाहिए, कंटेंट फील्ड में उनका हमें जो है, एक मिनट, उनका हमें सिटी चाहिए, ठीक है, उनका हमें सिटी भी चाहिए, उनका हमें पिन कोड भी चाहिए। एक मिनट दोस्तों, अभी आप देखो हमें पोस्टल कोड भी चाहिए हमको इनसे इतनी इन्फॉर्मेशन। देखो इन्फॉर्मेशन अगर आप जितना ज़्यादा भरवाओगे उनसे उतना बढ़िया पॉसिबिलिटी है कि आपका जो है ना कि फॉर्म जो होगा उतना बढ़िया निकल के आएगा, समझ लो। जितनी इन्फॉर्मेशन आप भरवाओगे उतना बढ़िया, लेकिन ये भी है कि अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो फॉर्म कम आएंगे। तो मेरा इंटेंट अभी यही है कि हमें बस इतनी चीज़ें ही चाहिए, ठीक है। सिटी के अलावा अगर हम इनसे स्टेट इनका मांग ले तो मच बेटर, आई थिंक हम इनका स्टेट मांग लेते हैं, ठीक है। हम इनके स्टेट को यहाँ पे स्टेट हम मांग लेते हैं, डेमोग्राफी, जेंडर, मैटरिटी, डेथ बर्थ, जेंडर, फ़ोन नंबर, ईमेल, कंपनी नेम एंड ठीक है फर्स्ट नेम, ये देखो हमें इतनी इतनी चीजें यहां पे इनसे हम मांग लेते हैं, ठीक है। पोस्टल कोड मांग लिए, रीजन मांग लिए, और मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर इनसे मांगनी है तो आप मांग लो यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखो, ये देखो इतनी चीज़ें हम यहाँ पे मांग लेते हैं, ठीक है। देखो जितना मांगेंगे ना, देखो फॉर्म उतने कम आएंगे लेकिन लीड उतनी बढ़िया आएगी, समझ रहे हैं, लीड उतनी बढ़िया निकल के आपके सामने आएगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अभी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है इनसे, ठीक है, प्लीज इनसे एक क्वेश्चन पूछना है। ऐड ए क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस में नहीं लेते हैं एंड अपॉइंटमेंट लिखे शार्ट आंसर, ठीक है। शार्ट में आंसर का एक क्वेश्चन भी इनसे हम पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि कोचिंग स्कूल इंस्टीट्यूट नेम योर कोचिंग
ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या लगा, योर कोचिंग स्कूल स्कूल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है। हम सबसे पहले पूछ लेते हैं, इनसे टाइप करवा लेते हैं और बढ़िया लीड लीड आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी हमने कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे इनके जो है अब आंसर ले लेंगे, ठीक है। इनका शार्ट में इनको आंसर देना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक ले लेते हैं कि आपका जो है स्टेट क्या है, ठीक है। अब इन इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम इनसे पूछ लेते हैं कुछ और, मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए शॉर्ट आंसर में, स्टेट योर स्टेट, इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे मांग लिया और शुरू में, और यहाँ पे हमने सिटी तो ले लिया, सिटी भी इनसे आई थिंक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे इनसे मांग लिया, समझ में आया। थोड़ा तो बहुत टाइम लगा है वीडियो को बनाने में यार, थोड़ा सा देखो पैनिक नहीं होना, उसके बाद फटाफट आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है मेरे से कि लिंक मांग रहा है, भाई अपने फेसबुक का ही लिंक दे देना, पेज का लिंक दे देना, मैं अपने वेबसाइट का लिंक दे दे रहा हूँ, ठीक है। आप फेसबुक पेज का लिंक दे देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरा लैपटॉप भी ऑफ होने वाला है, फटाफट वीडियो को कम्प्लीट करना है। हम अपने वेबसाइट के मेन पेज के ही लिंक हम यहाँ पर दे देते हैं, कॉपी किया और कॉपी करके हम यहाँ पर ला के पेस्ट कर देते हैं। आपको अपने फेसबुक का ही लिंक दे देना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ये देखिए, ये देखो हमने अपना लिंक दे दिया, कोई दिक्कत हमको यहाँ पे है नहीं। अब यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर सकते हो अपने पेज के बारे में, जो भी है अपने बारे में, 70 वर्डों में जो है आप लिख सकते हो। कोई भी लिंक कॉपी पेस्ट कर लो, अपने पेज से ही कर लो या कॉपी कर लो या लिंक ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पर लिंक टेक्स्ट दे दिया वैसे ही हमीसा, ठीक है। हाँ, तो ऐड डिस्क्लेमर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ऐड रिव्यू स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख लेना आके, ठीक है। यहाँ पे क्या है, और मैसेज फॉर लीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीड जब फॉर्म भरेगी तो उसको क्या मैसेज जाना चाहिए। थैंक यू फॉर रिसेट, देखो ये मैसेज जाना चाहिए, योर विजिट आवर वेबसाइट एंड गो टू माई वेबसाइट, गो टू माई वेबसाइट दे देना। गो टू वेबसाइट के बाद देखो यहाँ पे अपने वेबसाइट का लिंक दे देना भाई, ठीक है। बहुत आसानी से वो आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा भाई। माँ उसका दिल किया कि वहीं पे वेबसाइट से आपके पहुँच के कॉल ऑल करने का, तो थोड़ा ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाता है। अपनी ही देना, ऐसा नहीं किसी दूसरे का दे दो तो बंदा किसी दूसरे की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट, क्या ही मतलब निकलेगा, ठीक है। देखो व्यू माय वेबसाइट, और देखो यहाँ पे आ जाने के बाद देखें क्रिएट फॉर्म, एक ऑप्शन छूट गया है, अगर ले लेगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हमें देखो क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करते हैं। देखो हमारा फॉर्म अभी क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से हमने पूरे एक कंपेन को सेटअप किया है, और कंपेन को सेटअप करने के बाद अब देखो ये फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया। क्रिएट फॉर्म हो जाने के बाद अब देखो हमको यहाँ पे करना है पब्लिश, मेरा फॉर्म भी यहाँ पे देखो आ गया है, लीड देख रहे हो, हायर इंटेंट करके दो फॉर्म बन गया, गलती से हमने क्लिक कर दिया। अब इसको हमको कर देना सीधे सीधे पेस्ट, पब्लिश कर देना। देखो हमने पब्लिश किया, देखो पब्लिश कर दिया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कंप्यूटर की बैटरी लो हो चुकी है, लेकिन आपका पूरा जो है सेटअप हो चुका है, वन ऑफ द बेहतरीन सेटअप पूरे इंडस्ट्री में। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।